रागनी गायिका सुषमा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मुठभेड़ के बाद दो शूटरों को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के पैर में लगी गोली, लिविंग पार्टनर ने ही कराई सुषमा की हत्या। रागनी गायिका सुषमा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो शूटरों बुलंदशहर के मुकेश और जेवर के संदीप को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। दोनों ने 8 लाख की सुपारी लेकर हत्याकांड को अंजाम दिया था। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। वहीं हत्या की साजिश रचने के मामले में सुषमा का लिविंग पार्टनर गजेंद्र भाटी, बुलंदशहर हमले में नामजद प्रमोद समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सुषमा द्वारा संपत्ति नाम करने का दबाव बनाने से परेशान होकर ही गजेंद्र भाटी ने हत्या की साजिश रची थी। देखिए, दिनांक 1 अक्टूबर 2019 को यहाँ की एक फेमस रागनी गायिका थी सुषमा, जिनकी हत्या हुई थी, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 लोग मुठभेड़ में इंजर्ड हैं जो हॉस्पिटल में थे, 4 अभी यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। बेसिकली इसमें जो मास्टरमाइंड था वो मृतका का लिविंग पार्टनर गजेंद्र भाटी था, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीटा 2 थाना पुलिस और स्टार 2 टीम को सूचना मिली थी कि सुषमा की हत्या करने वाले दो शूटर बीटा थाना क्षेत्र में फॉर्चूनर गाड़ी में घूम रहे हैं। टीम ने सिग्मा 4 के सर्विस रोड पर घेराबंदी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें मुकेश और संदीप पैर में गोली लगने से घायल हो गए, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से हम लोगों ने, जो हमारी टीम स्टार 2 की थी और बीटा 2 की थी, इन दोनों टीम ने मिलकर के बहुत सघनता के साथ प्रयास किया और इसमें हम लोग के पास इंपॉर्टेंट क्लूज मिल गए थे और उस क्लूज के आधार पर हम लोगों ने इसको वर्कआउट किया है। घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी वो बरामद हुई है, जो पिस्टल जिस पिस्टल से गोली चलाई गई थी वो बरामद हुई है, एक मैगजीन विथ लाइव कार्टिजेस था वो भी बरामद किया गया है, कुछ पैसे बरामद हुए इन लोगों से। रागनी गायिका की हत्या के लिए दी गई थी 8 लाख की सुपारी। 3,90,000 रुपए आरोपियों को दिए जा चुके थे। शादी का दबाव और संपत्ति नाम कराने को लेकर की गई थी हत्या। आरोपियों ने बताया कि उन्हें हत्या के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी मिली थी, इनमें से 3,90,000 रुपए उन्हें मिल चुके थे, शेष रुपए लेने वे यहां आए थे। इधर पुलिस ने गजेंद्र भाटी, उसके चालक अमित, अजब सिंह, बुलंदशहर हमले के मुख्य आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गजेंद्र ने बताया कि सुषमा उस पर शादी का दबाव बना रही थी और उसकी संपत्ति भी अपने नाम कराना चाहती थी। जो ये लिविंग पार्टनर था उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर से उनकी हत्या कराई थी और हम लोगों ने दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे उनको कल मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। तो इस प्रकार ये जो घटना थी उसका एक सफल अनावरण हुआ है और सभी 6 जो अपराधी थे वो गिरफ्तार हुए हैं और उस साथ ही साथ जो जितने इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ यूज़ किए गए थे जो एविडेंस के रूप में है हमारे पास, उन सबको हम लोगों ने रिकवर किया। रागनी गायिका सुषमा मूल रूप से जहांगीरपुर कस्बे की रहने वाली थी। वो परिवार के साथ मित्रा सोसाइटी में रहती थी। सुषमा ने 2014 में अपने पति को तलाक दे दिया था। इसके बाद से वो ग्रेटर नोएडा के एक अपार्टमेंट में गजेंद्र भाटी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आरोप है कि गायिका सुषमा संपत्ति के लिए गजेंद्र भाटी को ब्लैकमेल कर रही थी। इसी साल 19 अगस्त को बुलंदशहर के महशाणा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान सुषमा पर हमला किया गया था। हमले की घटना को लेकर बुलंदशहर में हत्या के प्रयास की एफआईआर दर्ज है। पुलिस का कहना है कि गजेंद्र सुषमा के चरित्र पर भी शक करता था। सुषमा से छुटकारा पाने के लिए गजेंद्र ने साजिश रचकर उसकी हत्या करा दी। पकड़े गए शूटर मुकेश के खिलाफ 22 और संदीप पर 2 केस दर्ज हैं। पुलिस के लिए रागनी गायिका मर्डर केस एक ब्लाइंड मामला था, जिसका पुलिस ने खुलासा कर लिया है। गुना के लिए क्राइम डेस्क की रिपोर्ट।